देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग थ्री एलिमेंट इन कॉमन, यानी ए सेट और बी सेट में ये दोनों ऐसे सेट है जिन दोनों में तीन एलिमेंट्स कॉमन हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो फाइंड करना है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, और ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो हमें ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 5 × 4 = 20 आ जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इफ इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, एन एलिमेंट्स उसमें अगर कॉमन हो, देन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन कॉमन, तो उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे निकालना होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों सेट में तीन एलिमेंट्स कॉमन है, तो जब एन एलिमेंट्स कॉमन हो रहा है दोनों सेट में, तो उसके इनके इन इनके क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एन स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि तीन एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 9 देख